बस मैम, दोस्तों दोस्तों ये देखें, मेरा जो जोड़ा ये लो गुलाब का है, उसने माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरत तीसरी बार फूल दिया है। और आप ये देखें कि अब ये मेरा जो येलो रोज़ का जो जोड़ा है ना, उसमें देखें दोनों अलग अलग स्टाइल हैं। ये जो है इसमें छोटी कली आती है और फौरन बड़ी हो जाती है। ये ज़्यादा यानी कि दिन नहीं लगाता फूल खिलने में। और जो ये वाला है मेरा येलो वाला, ये पहले ये कट फ्लावर बनता है, उसके बाद ये बड़ा बड़ा आहिस्ता आहिस्ता फूल बनता है इसका। तो आप ये देखें कि इसने तीसरी बार मुझे, अब इसका सीज़न ख़त्म हो गया है, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है गुलाब जो है वो स्लो ज़रा उसकी रफ्तार हो जाती है बढ़ने की, लेकिन फिर भी आप ये देखें इसने कितना खूबसूरत फूल दिया है हमें। आप ये देखें, इसमें अभी कोपले आ रही हैं, तो ये अभी चल रहे हैं। ये दोनों ही अलग स्टाइल हैं, ये जोड़े जो हैं, तो मैंने कही मैं आपको दिखा दूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अभी ऐसा ऐसा खिलेगा मज़ीद, तो मैं इसकी भी आपको और अपडेट्स देती रहूँगी। तो अभी जो मेरे बाकी गुलाब हैं ये, और जो हैं उनकी ट्रिमिंग मैं करती रहती हूँ, आपको ज़रा गंजी गंजी नज़र आ रहे होंगे ये, तो इनमें भी कलियाँ आई थी और फूल खिल के जो है मुरझा चुके हैं। तो मैं इनकी सबकी मैं जब भी होता है ट्रिमिंग करती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए पत्ते आएँ और ये तेज़ी से बढ़े हों। ये देखिए जो मेरे लाल गुलाब की जो टहनी है वो कितनी, हालांकि जब मैं लाई थी तो ये बहुत छोटा सा प्लांट था, और ये खुद ही इतनी बड़ी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो पहले सोच रही थी मैं इसको काट दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, चलो अच्छा बढ़ने दो, जब भी मैंने इसको इन डोरियों से बांधा हुआ थोड़ा सा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपने मेरा गुलाब देख लिया, और जब ये खिलेगा इसके अपडेट्स नेक्स्ट पार्ट में देंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।